फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बहुत प्यारा सा डिजाइन बताने वाले हैं। देखिए, राखी आ रही है तो आप उस पर चाहे तो इसे भी यूज कर सकती हैं। ये रिस्ट बैंड है, तो चलिए देखिए हम इसकी किस तरह बुनेंगे। देखिए, तो अब हम इसे कैसे स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, आप सबसे पहले एक दो तीन चैन बुनेंगे, चार चैन बुनेंगे। और देखिए, मैंने इसके अंदर पहले से कुछ मोती डाल रखे हैं, आप पहले मोती डाल लीजिएगा फिर उसके बाद बुनेंगे। तो देखिए, मैंने चार चैन बुन ली हैं। चार चैन बुनने के बाद आपने मोती को यहाँ लेकर आना इस तरह से। फिर ये देखिए, यहाँ से इस तरह से निकाल लेंगे। तो देखिए, एक या जो आपकी फर्स्ट चैन थी, यहाँ आपने यहाँ आपने डबल क्रोशिया से दो बार बुनना है, एक और ये दो। देखिए, दो बार बुनने के बाद फिर क्या करना है आपने, फिर देखिए एक बार लेना है और देखिए इन दोनों के बीच में, ये जो बीच में गैप है यहाँ, यहाँ से आपने इस तरह से पफ स्टिच बनाना है, एक दो तीन चार पांच। जैसे पफ स्टिच इसी तरह बना लिया मैंने, फिर क्या करना है आपने, देखिए हर दो फंदे में से आपने इसको पास करना है, एक फिर ये दो तीन चार और ये लास्ट में पांच। तो देखिए, इस तरह से ये कंप्लीट हो गया है। अब आपने फिर देखिए एक दो तीन चैन बुनेंगे और तीन चैन बुनने के बाद आपने फिर से मोती को यहाँ लाना है, इस तरह से फिर पास करना है। देखिए, फिर आपने इसको फ्रेंड्स पलटना है, पलटने के बाद एक बल लेना है और देखिए यहाँ ये जो है पलटने के बाद यहाँ से आपने फिर से डबल क्रोशिया से बुनना है, एक और ये दो। दो के बाद फिर आपने देखिए एक बल लेना है, बल लेने के बाद आपने फिर इन दोनों के नीचे से यहाँ से जैसे पहले बुना था इसी तरह आपने पांच बार बनाना है, एक दो तीन चार और ये पांच। पांच हो गए। पांच के बाद आपने फिर देखिए हर दो में से आपने इसको इस तरह से पास करना है। देखिए, इस तरह से ये बनता जाएगा। फिर आपने एक दो तीन और फिर आपने एक और मोती लेना है और इसके अंदर से इसको इस तरह से निकालना है। देखिए, फिर आपने इसको पलटना है और यहाँ देखिए यहाँ फिर से आपने दो बार डबल क्रोशिया से बुनना है, बस इसी तरह रिपीट करना है। फिर यहाँ से आपने इसके नीचे से फाइव टाइम करना है, एक दो तीन चार और ये पांच। फिर हर दो में से पास करना है। फिर तीन चैन, एक दो तीन,
बस फ्रेंड्स देखिए, आपने एक ही पत्ती समझनी थी और इसी को रिपीट करते करते ही आपका बहुत प्यारा सा देखिए इस तरह से डिजाइन तैयार हो जाएगा। तो मैं इसे थोड़ा सा बड़ा बनाकर आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। बनने के बाद इसके कितने खूबसूरत सा देखिए इसका लुक आया है और ये कितना ईजी भी है बनाना। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा क्रोशिया वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।